sani da ba ma da ni sa sa ri ga ma pa da ni sa sa ri ga ma pa da ni sa sa ri ga ma pa da ni sa. नमस्कार दोस्तों, मैं वरिंदर, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आरवी म्यूजिक वर्ल्ड में। आज मैं आपको दोस्तों बताऊंगा कि जो तार सप्तक का रियाज है उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। तार सप्तक के रियाज के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको खरज का रियाज करना पड़ेगा। खरज मतलब कि जो मंद सप्तक के स्वर हैं, सा से नीचे के जो स्वर हैं, उस पर आपको अपनी अच्छी पकड़ बनानी पड़ेगी। जब आपकी अच्छी पकड़ बन जाएगी फिर आप एक एक स्वर करके तार सप्तक पे जाइए। पहले आपको एक एक स्वर करके मंद सप्तक में आना है। जहां तक भी आप इजीली जा सकें पहले वहां तक जाइए, उसके बाद एक एक स्वर आपको नीचे जाते रहना है। सा नी द प म ग र स। तो दोस्तों जब आप खरज में, आप मंद्र सप्तक में जब आपके स्वर अच्छे हो जाएं, उसके बाद आपको मध्य सप्तक तो आप कर ही रहे होंगे, उसके बाद आपको तार सप्तक में जाना है। तार सप्तक में जाने के लिए दोस्तों आपको पहले एक एक स्वर करके आगे जाना है। सारे सा, सारे गरे सा। कुछ दिन सारे गा तक प्रयास करने के बाद फिर माँ को टच करें। सा सारे गा गरे सा। माँ पे जाने के बाद फिर पा को। सा सारे गा पा मा गरे सा। फिर धा को। इस तरह से दोस्तों आपने तार सप्तक के स्वरों को टच करना है और इनका रियाज करना है। टच करके आपने वापस आना है और अपने गले को खोलना है, अपनी रेंज बढ़ानी है। शुक्रिया दोस्तों।